हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने जियो के नंबर की जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो किसी और नंबर पर कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो भाई काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन भाइयों के लिए जो भाई अपने फ़ोन में ज़्यादा काम करते हैं लेकिन बीच बीच में उनके पास में कॉल बहुत आती हैं, या फिर आपका नंबर स्विच ऑफ है और आप चाहते हो कि किसी और नंबर पर कॉल चली जाए, तो इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना फ़ोन लॉक खोलना है। फ़ोन लॉक खोलने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है *401*। ये एक कोड है जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद में आपको वो नंबर डालना है जिस पर आपको कॉल ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ भाई, तो मैंने अपना नंबर डाल दिया है। उसके बाद में मुझे इस पर कॉल करना है, तो कॉल मुझे उसी सिम से करना है जिसकी हमें कॉल फॉरवर्डिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरा जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आएगी, जितनी भी कॉल है मेरे इस नंबर पर जाने वाली है। तो अब मैं इस फोन में जितना भी मुझे काम करना है वो कर सकता हूँ। अगर ये स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो मेरी कॉल वहां पर चली जाएगी। तो ये तो है एक्टिव करने का तरीका। अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, तो डीएक्टिवेट करने का बिल्कुल आसान तरीका है *402। सिंपल आपको ये करना है, उसके बाद में इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते के साथ में शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो दोस्तों, अब आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, अब सारी कॉल जो है वो इसी नंबर पर आ जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।